नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए तुर्की से एक ऐसी न्यूज आ रही है जो भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है। वो भारत के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है और तुर्की ने ये जो कुछ भी किया है ये सब पाकिस्तान के लिए किया है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ऐसा भारत के साथ क्या हो गया है और तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया है और उसकी पूरी वजह क्या है। तो दोस्तों, तुर्की ने अब भारत के ऊपर एक बैन लगा दिया है, एक ब्लैंकेट बैन, मतलब कि भारत को उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि अब भारत को कोई भी हम डिफेंस का इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब कोई भी तुर्की की कंपनी भारत को किसी भी तरह से डिफेंस की चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों है, तुर्की ने आखिर ऐसा क्या किया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी शुरुआत दरअसल 2019 से हो चुकी थी। 2019 में भारत ने एक चीज़ करी थी कि भारत ने आर्टिकल 370 धारा जो है इसको हटाया था, जो जम्मू एंड कश्मीर पे लगती थी और उनको कुछ स्पेशल राइट देती थी। तो जब इसको हटाया तो इसके विरोध में था पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान विरोध में था, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है तुर्की, तो तुर्की ने खुलकर भारत का विरोध किया धारा 370 का। और ये बराबर इसको कहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहाँ पर लगातार तुर्की ने इस मुद्दे को उठाया कश्मीर के, ये 2021 हो, 22 हो या 23 हो, इन्होंने बराबर उठाया। और फिर उसके बाद ये भी बोला कि भारत के ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर में 80,000 लोग को कैद करके रखा है भारत ने, इस तरह की बातें करी हैं, ओपन एयर पॉइजन बोला, मतलब इस तरह की बातें तुर्की ने करी। तो अब तुर्की ने ये डिसाइड कर लिया है कि भारत को कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करना है डिफेंस का इक्विपमेंट। और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। ग्रुप में इन्होंने पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, इन तीनों को मिलाकर के एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। तो भारत को भी समझ में आ गया कि ठीक है, तुर्की अब किस रास्ते पर चला जा चुका है, तो भारत ने भी फिर इनके लिए वैसा ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये दो जगह की यात्रा करेंगे, एक सऊदी अरब की, एक तुर्की की। तो प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की तो यात्रा करी, लेकिन तुर्की जाना इन्होंने कैंसिल कर दिया। उस यात्रा को कैंसिल किया तो उससे साफ साफ एक मैसेज चला गया तुर्की के लिए कि हमें भी आपकी उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। तो ये तुर्की के साथ हुआ। फिर उसके बाद तुर्की के जो खिलाफ़ लोग थे और अजरबैजान के जो खिलाफ़ थे, उनको भारत ने सपोर्ट किया। जो तुर्की के दुश्मन हैं, एक तरफ है साइप्रस और दूसरी तरफ है ग्रीस, तो इनके साथ भारत ने अपने संबंधों को बढ़ाया। साथ में अर्मेनिया का जो दुश्मन है वो अजरबैजान है, और अजरबैजान और तुर्की दोस्त हैं। इन्होंने तो भारत ने क्या किया कि अर्मेनिया को डिफेंस के आइटम बेचने शुरू करे, एक्सपोर्ट करना शुरू करा, जिससे इन लोगों के ऊपर दबाव आना शुरू हुआ। अजरबैजान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दबाव आया, जिसकी वजह से अजरबैजान ने अभी भारत के ख़िलाफ़ बोलना भी शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ भारत ने अभी रिसेंटली ग्रीस के साथ एक बहुत अच्छा अपना एक अभ्यास किया एयरफोर्स का, इन भारत की एयरफोर्स ने उसके साथ मिलकर एक अभ्यास किया। और आपको बता दें कि भारत ने साइप्रस के साथ भी अपने डिफेंस के जो बातचीत है उसको बहुत आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था नेवी के प्रोडक्ट बनाने के लिए तुर्की की एक कंपनी को, उसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो करीब $2.1 बिलियन की है। तो इसको भारत ने कैंसिल कर दिया कि हमें अब आपसे कुछ भी नहीं बनवाना है। और साथ ही साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भारत की ही एक कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड करके, उसको ये प्रोजेक्ट दे दिया और उसको बनाने का पूरा ठेका दे दिया, अब वो कंपनी उसे बनाएगी। तो भारत भी एप्रोप्रिएट तरीके से तुर्की को जवाब दे रहा है। तुर्की को अब ये समझना होगा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपना नुकसान पाकिस्तान की वजह से क्यों कर रहा है। अब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन,
तैयब अर्दोगन को एक बड़ी दिक्कत है, वो मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बनना चाहते हैं जो आज की डेट में सऊदी अरब है, और ये जो बनना चाहते हैं खलीफा, और ये इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का भी साथ लिया जाए, इसलिए भारत के खिलाफ हो गए और भारत के लिए इन्होंने बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। ऑफिशियली इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी पार्लियामेंट में अभी एक क्लोज एंडेड एक सेशन हुआ था, उसमें पता लगा कि इन्होंने एक पॉलिसी अपनी कॉन्फिडेंशियल बना रखी है कि भारत को किसी भी तरह का इक्विपमेंट सेंड नहीं करना है डिफेंस वाला, और इस पर एक बैन लगा हुआ है। तो ये दोस्तों भारत के लिए भी थोड़ी सी चिंता की बात तो है ही है कि हम डिफेंस की चीज़ें परचेस कर रहे थे, लेकिन ये अच्छी बात भी है, इससे भारत अपनी कैपेबिलिटी खुद और ज़्यादा डेवलप करेगा। हम वैसे भी तुर्की के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुर्की कहीं ना कहीं हमारा विरोधी है, और हम अपने विरोधी के भरोसे कैसे रह सकते हैं, हमें खुद अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात भी है अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।